सब सुस्त मत रहना भैया, अलर्ट रहना, थोड़ा मजा आएगा। तो देखो लगभग ये लास्ट टॉपिक है ना, सब पढ़ लिए हैं, क्या क्या पढ़ लिए ध्यान में है? एक बार बोल दो, बेसिक्स दिमाग में रहेगा। मैंने बोला बार बार कीवर्ड याद रखना, बेसिक्स याद रखोगे तो पूरा याद आ जाएगा, डायस्पोरा से लेकर पैरा डिप्लोमेसी वगैरह सब क्लियर है। उसके बाद यूरोप वाला, यूरोप मेडिवल एरा, जर्मनी का यूनिफिकेशन, वर्ल्ड वॉर वन, क्लियर, क्या सुन पा रहे हो? और वो जब प्रोसेस खत्म होगा कोल्ड वॉर होगा, वर्ल्ड वॉर टू के बाद कोल्ड वॉर होगा, तो सर आपको हर जगह अलग अलग देशों में दोनों लड़ते हुए दिखेंगे, और ओवरऑल कोल्ड वॉर में विक्ट्री किसका होगा? रशिया का, यूएसएसआर का। उसके बाद 1991 में टूटेगा, वर्ल्ड बाइपोलर से यूनिपोलर में कन्वर्ट हो जाएगा, क्लियर है। और तब तक अपन आजाद हो चुके हैं कोल्ड वॉर में, तब हम अपना रिलेशन सबके साथ देख लेंगे, उसमें आपका फॉरेन पॉलिसी, नेबरहुड पॉलिसी आ जाएगा, म्यांमार के साथ रिलेशन ध्यान में है, श्रीलंका के साथ, नेपाल के साथ, उसके बाद और किसके साथ, जल्दी बोलो, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सारा कुछ देख चुके हैं हम लोग, भूटान, ए टू जेड क्लियर है। और उसके बाद अब लास्ट में कौन सा हमारा, चाइना, ये पूरा ओवरऑल देख लेंगे, काम आसान हो जाएगा, डन। तो सर जितने कम समय में जितना आपको नॉलेज मिला है उसको इकट्ठा करके रिवीजन कर लीजिएगा तो आसान रहेगा काम, और इसलिए करंट अफेयर आसान हो जाएगा। चलिए तो चाइना शुरुआत करते हैं, देखता हूं जहां तक हो पाए उतना तक कर लेते हैं आज, और उसके बाद फिर एक दिन गैप ले लेंगे और 21 तारीख से कर लेंगे, कोई दिक्कत, रिवीजन कर लेना, और नहीं तो कल भी अगर आ जाएंगे तो थोड़ा कल भी कर लेंगे, क्योंकि कल मेरे पास टाइम है 20 तारीख के बाद, टारगेट में थोड़ा सा पीछे हूं, तो मुझे किसी तरह से करना है, तो आज खाना वाना छोड़ के सब आज निपटा लेना है जैसे भी हो, क्योंकि टारगेट नहीं छूटना चाहिए, तो आज मैं जो है त्याग हुआ के काम कर लूंगा, कल तक मेरा टारगेट है, हो जाएगा, हर हाल में होगा, नहीं का सवाल नहीं है, और 21 से फिर हम लोग भिड़ जाएंगे, क्लियर है। तो चलिए अब आते हैं इस मामले पे और शुरुआत करते हैं। जब लगे टारगेट कोई चीज हासिल किया है और लगे कि छूट रहा है, तो लगभग सब कुछ त्याग दो, 2 दिन के लिए ही सही, 3 दिन के लिए सही, उससे बड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, मैं बता रहा हूँ। और कुछ लोग होते हैं कमिटमेंट कर लेते हैं, हो जाएगा लास्ट छोड़ देते हैं, चल कोई बात नहीं 3-4 दिन बात कर लेंगे, वैसे मत किए, कोशिश पूरा करिए कि वो हो जाए, और जब नहीं होने वाला हो, लगे कि नहीं हो रहा है, फिर भी उसका क्या करिए, ऐसा करिए कि 90% कर लेता हूं, 10% छोड़ दूंगा, ऐसा सोच लीजिए। इससे ये छोटा छोटा चीज है लेकिन बड़ा काम का चीज है बॉस, हम लोग आदत बन जाता है छोड़ने का ना, तो उसके बाद छोड़ते चल जाता है, इस साल नहीं अगले साल देंगे, अगले साल नहीं अगले साल देंगे, वो बन जाता है आदत। जीवन में कभी भी ऐसा नहीं होने वाला है कि संपूर्ण रिविजन आपका हो जाएगा, कभी नहीं होने वाला है, हर बार ऐसा ही लगेगा, अभाव, इंसान का नेचर ही वैसा है, इंसान को कभी भी आपको लगेगा कि परफेक्ट, एकदम परफेक्शन जो हो जाए, परफेक्शनिस्ट हो जाए, कभी नहीं होने वाला है, इसलिए परफेक्शन के चक्कर में नहीं पड़ना है, जितना रिवीजन किए उसी तर्ज पे पूरा सिलेबस पढ़ के अगर रिवीजन हो गया है एग्जाम दे लीजिए, बात खत्म, हो जाएगा। कॉन्फिडेंस खाली रखना है कि होगा होगा, जब मन में है तब नहीं बोलना है, होगा होगा। तो सर चाइना में पहला चीज, रिलेशन की बात करें तो बड़ा प्यारा रिलेशन है चाइना के साथ, समझ में आ रहा है, दोस्त है हमारा। तो ये जो है ना, ये मिंग डायनेस्टी, क्या मैंने पढ़ाया नहीं पढ़ाया, पढ़ाया ना, तो शुरुआत में मिंग था, मिंग के बाद कौन आ गया, किंग डायनेस्टी आया था, तो मिंग के बाद आ गया यहाँ पे 1644 में किंग डायनेस्टी आया, देन वो लोग जो है ऑलरेडी यहाँ से सारा का सारा काम करने लगे। और 2 चीज यहाँ थोड़ा ध्यान रखना, आराम से करेंगे 3-4 पे शुरुआत का, उसमें एक लाइन पढ़ना ध्यान से, जो आपको मिला है पढ़े भी होंगे, क्या लिखा हूं, किंग डायनेस्टी आया, देन दे वेर ऑल्सो इन्वॉल्व लाइक, ये वाला क्या है जल्दी देखना, मिंग एंड नो रूल ऑन तिब्बत, मतलब तिब्बत पे किसी का कंट्रोल नहीं था, जब मिंग था तब भी तिब्बत अलग था, जब किंग आया तब भी तिब्बत अलग था, क्लियर है। मैं बताना ये चाहता हूं कि तिब्बत इंडिपेंडेंट था कि गुलाम था, इंडिपेंडेंट था, क्या सुन पा रहे हो? अब उसके बाद देखो थोड़ा कम ही पढ़ेंगे यार, तो थोड़ा अलर्ट रह के करो प्लीज, मन होशियत नहीं फैलाओ, जो से बोलना उसके बाद आगे चलते रिस्पॉन्स करते रहे ना। खैर, तिब्बत इज ए रिलीजियस प्लेस ऑफ दलाई लामा, देखो पहली बात दलाई लामा एक नाम नहीं है, दलाई लामा एक पोस्ट है और उसके अलग अलग लोग होते हैं, तो दिमाग में रखना, जैसे दलाई लामा फेमस जानते हैं एक ही आदमी का, टकला आदमी, चश्मा वाला, अरे चेहरा उन्हीं का बना हुआ रहता है दलाई लामा का, तो दलाई लामा क्या है, नाम है कि पोस्ट है, पोस्ट है, तो दलाई लामा पोस्ट है और अलग अलग दलाई लामा होते हैं, जैसे अभी के समय में तेंजिंग ग्यात्सो जो है प्रेजेंटली करेंट दलाई लामा है, तो तेंजिंग ग्यात्सो है, फिर इस तरह से बदलते रहता है पोस्ट, जिस तरह से पीएम बदलते रहते हैं। तो लॉजिक क्या है, मैं बताना ये चाहता हूं कि तिब्बत एक धार्मिक प्लेस है, अच्छा ये बुद्धिस्ट से कनेक्टेड है या फिर ये हिंदुइज्म से, बुद्धिज्म का है सबसे बड़ा चीज, और दूसरा क्या इंडिपेंडेंट है कि गुलाम है, और ये शुरुआत से दिख रहा है जैसे मैंने कल भूटान पढ़ाया था वैसे ही, क्या सुन पा रहे हैं? अब जरा आगे आइए, 1717 लगभग आगे में, ये डेट थोड़ा सा याद रख सकते हो काम आएगा, ये जुंगार रेवेलियन, डी जो है साइलेंट होगा, जुंगार रेवेलियन है, ये जो है ये वो लोग हैं जो मंगोलियन है, और ये लोग मंगोलियन लोग जो बड़े जो है ना, ये सब लूटपाट लाएंगे, अभी चंगेज खान से लेकर जितना कोई है सब मंगोलिया का है सब, अब ये सब आया तिब्बत में और आकर यहाँ पे ये लोग जो है मंगोलिया जो है हमेशा क्या है
फैलाने पे और एक्सपेंशन ही करने पे बिलीव करता है। सुन पा रहे हैं? तो मंगोलिया ने सोचा कि चलो प्रभु तला जो तिब्बत है उस तिब्बत पे किसी का राज है नहीं तो हमारा होगा। कुछ बुझा रहा है? कौन सोचा? मंगोलियन। और मंगोलियन में एक रेविलियन है, एक संगठन एक तरह से, जिसका नाम है जुंगार रेविलियन। क्लियर यहां तक? आया वो लोग बेचारा। आने के बाद दो चीज हुआ, किंग डायनेस्टी ने जुंगार को जो है सप्रेस कर दिया। चाइनीज थे, किंग डायनेस्टी नया नया आया था, जुंगार रेविलियन को पटक पटक के पीटा और पीट पीट के सर तिब्बत को बोला कि आप आजाद रहिए, आप चिंता मत करिए, आजाद रहिए, आपको जैसे रहना है। लेकिन एक चीज बोल दिया जो सबसे बड़ा कांड हो गया। वो बोला क्या, क्या पता जुंगार रेविलियन फिर वापस आ जाए, भाई कौन जानता है। तो सर ये चंगेज खां तो जो है नाम अलग है, लेकिन जो मंगोलियन जुंगार रेविलियन है क्या पता दोबारा आए, आ हारे हैं, आ भी सकते हैं। अच्छा, इसमें सबसे ज्यादा दिक्कत किंग डायनेस्टी को हो रहा था। मैंने आपको पढ़ाया था तो बोला था किंग डायनेस्टी इनवार्ड थे कि आउटवार्ड थे। मैंने बोला था कि किंग डायनेस्टी जहां बाहर से ज्यादा ट्रेड वेड करना चाहता था या नहीं करना चाहता था, नहीं करना चाहता था। अरे चाइना के कोई भी डायनेस्टी कभी भी पहले से बाहरी व्यापार नहीं करना चाहता था, तभी तो अंग्रेज लोगों ने वहां के युवाओं को ड्रग्स का लत लगाया ताकि वो बिजनेस करना शुरू करे ओपीएम का। अरे पढ़ा चुका हूं ये। तो सर इसमें इंटरेस्टिंग बात ये था कि जब हराया तो इसने दो काम किए। इधर देखना, 1792 में इधर तिब्बत को बोला कि आप हमसे 29 पॉइंट एग्रीमेंट कर लीजिए। सुना ध्यान से, कितना पॉइंट? एक पॉइंट में काम नहीं चलेगा। तो सर यहां पे देखना, जब सप्रेस कर दिया तो तिब्बत को कहा कि आप आजाद रहिए, बट किंग को डर था कि तिब्बत में फिर से वापस आ जाएगा जुंगार। समझ में आ रहा है? देन वहां पे तिब्बत की अभी आर्मी नहीं थी, सो किंग ने अपना एक मिलिट्री एडवाइजर भेजा जिसका नाम था अम्बंस। क्या नाम था? अम्बंस। यानी कि किंग डायनेस्टी ने अम्बन ग्रुप को कहां पे भेजा? तिब्बत के अंदर, कि बेटा तुम रहो ताकि दोबारा से जुंगार रेविलियन या कोई और नहीं है। क्लियर यहां तक? अब इसके तहत जिसने लिखा था अम्बंस को कि अम्बंस की जो पावर है उस एग्रीमेंट के तहत लिखा गया, वो उतना ही पावर होगा जितना दलाई लामा का होगा। कुछ बुझा रहा है? दलाई लामा है गुरु और तिब्बत के बेचारे एकदम सबसे बड़े गुरु, उनको सब लोग पूजता है। और जो मिलिट्री वाला जो है अम्बंस ग्रुप का, इसको क्या बोल दिया गया कि बेटा आप जो है उतना ही पावरफुल है जितना पावरफुल वहां का दलाई लामा है। अब आप मुझे बताइए, आपके गुरु हैं, मान लीजिए गुरु क्या, आप हमारे देश में पीएम है अभी हेड, मान के चलिए कोई बाहर का आदमी आया बोला कि ये आदमी हम मिलिट्री एडवाइजर भेजा। अच्छा एग्जाम्पल हो ना, इवन मोजीप, याद करो बताया था ना इवन सीआईपी, अब वो आया और उसका पावर बोल दिया जाए कि उसका उतना ही पावर होगा जितना पीएम का होगा, तो क्या आपको अच्छा लगेगा या खून खोल जाएगा? खोलेगा। ये बाहर का आदमी आकर उसका पावर हमारे पीएम के बराबर कैसे हो जाएगा? तो दलाई लामा सेम तिब्बत के लिए उतना ही रिस्पेक्टेड आदमी है, उतना ही पावरफुल आदमी है, और उसका पावर कोई बाहर का आकर ये बोल दे कि मिलिट्री के बराबर है, ये तो नहीं चलेगा। क्या बुझा रहा है? तो तिब्बत के सारे लोग शांति रहेंगे कि इनको दिक्कत होने लगेगा, दिक्कत होगा, और ये लोग जो है पावर दलाई लामा के बराबर आएगी। बट तिब्बत ने इसको रेसिस्ट किया, लेकिन किंग डायनेस्टी ने किसी तरह से जबरदस्ती ये जो है साइन करवा लिया, और उसके बाद किंग डायनेस्टी के खिलाफ वहां के लोगों ने काफी रेसिस्ट करना शुरू कर दिया। तो मैं बोलना ये चाहता हूं इस पॉइंट के माध्यम से फिर से, जब मिंग डायनेस्टी था तो क्या तिब्बत आजाद था? किंग डायनेस्टी आया तब भी आजाद था, लेकिन जब जुंगार रेविलियन हुआ उसको किंग डायनेस्टी ने मारकर भगा दिया, और वो जानता था कि कहीं वापस दोबारा ना आ जाए, इसलिए 29 पॉइंट एग्रीमेंट कर लिया, जिस एग्रीमेंट के तहत बोला कि अम्बंस जो कि मिलिट्री एडवाइजर है किंग डायनेस्टी के द्वारा भेजा हुआ है, उनका पावर उतना ही होगा जितना पावर किसका होगा? दलाई लामा का। क्लियर? ये बात उन लोग को पचा नहीं। किसको नहीं पचा? तिब्बतियंस को। तो तिब्बत के लोगों को ये बात नहीं पचा। सुन पा रहे ध्यान से? एकदम शीशे की तरह सब कॉन्सेप्ट का क्लियर होना चाहिए। तो बुझा रहा है कि पूरा बुझा गया? बुझाते रहना चाहिए, ध्यान रखिएगा। आते हैं नेक्स्ट। तो आप मुझे बताइए, तिब्बत में लोगों को किस बात का सबसे बुरा लगा है? इस बात का बुरा लगा है कि भैया दलाई लामा के बराबर किसी बाहर के आदमी का, या कोई आदमी भले मेरा मदद किया हो तो कैसे पावरफुल बन गया। क्लियर है? अब जरा इसके आगे का बात करते हैं। दूसरा डेट जरूर देखना, 1212 दिख रहा है। 1212 में असम में उस समय जो राजपाट चलता था वो अहोम किंगडम का चलता था, बड़ा फेमस है ये आप इतिहास में आप नहीं भी पढ़ोगे ना तो अहोम का नाम तो सुनने को कहीं ना कहीं मिल ही जाता है। अगर उसके बावजूद भी नहीं मिला है तो भगवान आपका भला करे, हम बता देंगे आपको। समझ में आ रहा है? तो 1212 में अहोम किंगडम जो है ये लगभग ठीक ठाक राज कर रहा था असम के अंदर। असम कहां पे है? नॉर्थ ईस्ट स्टेट के अंदर अभी के टर्म्स में, लेकिन उस समय पूरा बाउंड्री लाइन कुछ था नहीं तो लगभग उसी तरीके का था। बट पर्टिकुलरली असम में किसका वर्चस्व था? अहोम किंगडम का। और अहोम किंगडम का जब स्टार्ट वर्चस्व हुआ,
इस समय उसके आगे दो तीन चीज हुआ, अहोम किंगडम जो है स्टार्ट डिक्लाइनिंग लगभग आते आते 1800 या उसके करीब में, लगभग अहोम किंगडम बिल्कुल मतलब एक तरह से पूरा का पूरा खत्म हो रहा था। कब तक रहता, 1800 के समय की बात करें तब तक तो ब्रिटिशर्स भी हमारे यहाँ आकर खूब हावी हो गए थे। क्या सुन पा रहे हैं, अरे 1800 का आधे तो मामला जो है तहस नहस करके रख दिया था, 57 में तो जो उठा उठा था, जो बचा उठा था रिविलियन, उन सबको पकड़ के पीट पाट के बराबर कर दिया। तो लॉजिक कहने के क्या है, ब्रिटिशर्स कब तक आ गए, 1600 में लगभग एंट्री मार दिए थे, लगभग 20-30 सालों में धीरे धीरे उनको पता चली गया कि यहाँ का लोग बकलोल टाइप है, आपस में एकता है नहीं, तो सर 30-35-50-1700 आते आते पूरा लगभग धीरे धीरे अपना पांव फैला दिया। सुन पा रहे हैं, 1800 तक तो बस मतलब बॉस बन गया था, बुझा रहे, शिवाजी द बॉस नहीं, अंग्रेज द बॉस, कुछ बुझा रहा है, शिवाजी द बॉस जानते हैं, बनिया मूवी है ना, टकला एकदम बजाते रहते, इधर से ऐसे टकला में मार के सिगरेट पी लेगा, वो माचिस चला लेगा ऐसे ही, समझ में आ रहा है, अलग अलग तरीके होते हैं जलाने का। इधर अहोम किंगडम अब कमजोर हो रहा था क्योंकि दो कारण थे, पहला ब्रिटिशर्स डोमिनेट अब करने लगे थे, सुन पा रहे हैं, तो जैसे ही ये डिक्लाइनिंग स्टार्ट हुआ उस समय तक ब्रिटिश भी इंडिया में काफी एक्टिव हो चुके थे और यहां से कई दिक्कत नहीं था, ब्रिटिशर्स का भी अपना एम था। और मुझे बताया था आपको पहले कि क्या ब्रिटिशर्स म्यांमार में कब्जा किए हुए थे कि नहीं किए हुए थे, किए हुए थे, और फ्रांस कहां था, लाओस वियतनाम में था, ये बता चुका हूं आपको। तो सर ब्रिटिशर्स तो म्यांमार में जब है तो असम की तरफ कायन नजर देखेंगे, कुछ बुझा रहा है, तो जरा देखिए, एंड अभी जो एक्टिव हो चुके थे, दे वेयर इंटरेस्टेड इन असम, उसके कारण बहुत सारे, एक तो रिसोर्स के लिए, अच्छा 1800 का वो दौर है जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन भी चरम सीमा पे चल रहा है, अरे बढ़ाया था औद्योगिक क्रांति, तो सबको क्या चाहिए, रिसोर्स चाहिए, तो ब्रिटिशर्स को जहां जहां रिसोर्स मिलेगा वहां से लेगा वो, और नॉर्थ ईस्ट स्टेट तो फुल ऑफ रिसोर्सेज है, तो सर उसके बाद असम में किया, एंड फ्रॉम देयर दे कैन कैप्चर म्यांमार एंड कीप एन आई ऑन फ्रांस वियतनाम एंड लाओस। तो म्यांमार को कैप्चर करके, आपको पहले ये पढ़ा चुका हूं मैं, म्यांमार में बता चुका हूं कि ब्रिटिशर्स का मेन मकसद था कि फ्रांस को आने नहीं देना है चाहे जो हो जाए, क्लियर है, जोर से बोलो, अब आना जरा, म्यांमार हैज ऑल्सो एम्बिशन इन असम, म्यांमार को भी इंटरेस्ट कहां है, असम में, भाई रिसोर्स है जबरदस्त है, तो असम में उसको चाहिए, सो दैट दे कैन एक्सपेंड टेरिटरी। 1824 में दो वार हुए, एंग्लो बर्मा वार, एंग्लो बर्मा मतलब, एंग्लो मतलब कौन हो गया, ब्रिटेन, बोला हूं जहां जहां एंग्लो रहे कौन होगा, ब्रिटेन वाला, और बर्मा किसका नाम है, पुराना नाम है म्यांमार का, बुझा रहा है। अब सर दोनों इंटरेस्टेड हैं, दोनों को क्या चाहिए, असम, और अगर दोनों इंटरेस्टेड है तो वही बात है, मारपीट होना है, स्वाभाविक है, तो ब्रिटिशर्स हरा ही दिए बर्मा को, जो कि स्वाभाविक था, कुछ बुझा रहा है। अब जैसी ब्रिटिशर्स हारा तो दो काम हुआ, म्यांमार तो हाथ से गए, समझ में आ रहा है, नहीं सुना है वो, चौबे जी बनने गए थे, पता नहीं छब्बे जी बन गए, दुबे जी, ऐसा कुछ एक कहावत बोलते हैं, तो यहाँ पे तेज बन रहा था, कौन तेज बन रहा था, म्यांमार, इसको लगा कि असम मिल जाएगा, पूरा एरिया हमारा हो जाएगा और पूरा एकदम इकट्ठा एकदम राज करेंगे, लेकिन इंटरेस्टेड भी था। ये 1824 का डेट याद रखना काइंडली, इसके पीछे कारण है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का, एंग्लो बर्मा वार हुआ और आगे आते आते तक यहाँ पे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था, एंड दे ऑल नीड रिसोर्स, सबको रिसोर्स चाहिए था, क्या बुझा रहा है, जिसका जितना एरिया उतना रिसोर्स, एंड लोग फिर इधर अहोम किंगडम को भी एनेक्स कर लिया, एंड उसके बाद उन्हें सिंपल सा एक चीज लगा कि असम ने जो है, असम के लोहित वैली से तिब्बत पहुंचा जा सकता है, इन लोग का मेन ही प्रॉब्लम था, मैंने बोला इस दुनिया में जितना लड़ाई हुआ है वो दो ही चीज के लिए होता है, बताइए जल्दी क्या क्या, एक लोकेशन, दूसरा क्या, रिसोर्स, अरे जियो पॉलिटिक्स, पढ़ा चुका हूं, तो जियो पॉलिटिकलीज भी मतलब इसके अलावा कोई हो ही नहीं सकता कि कोई लड़ाई हो, पूरा दुनिया में इसके अलावा लड़ाई होने का कोई चांस नहीं है प्रभु, तो लॉजिक है असम में इसलिए किया क्योंकि रिसोर्स था, और दूसरा असम से लोहित वैली होते हुए तिब्बत की तरफ जाना बहुत ईजी था, कुछ बुझा रहा है, और तिब्बत की तरफ एक बार जाना मतलब एरिया फिर बड़ा मिलना और फिर रिसोर्स का कैप्चरिंग और ज्यादा, तो असम क्या सिर्फ रिसोर्स के लिए इंपॉर्टेंट था या लोकेशन के लिए भी, लोकेशन के लिए भी, यहां तक बुझा रहा है, अब जरा आगे है नीचे, देन उसके बाद उन्हें लगा कि असम को लोहित वैली से पहुंच सकते हैं थ्रू तवांग, अब तवांग जो है ये तिब्बत का साउथ वाला हिस्सा है, ध्यान से समझना, और तवांग जो है पुराना नाम है अरुणाचल प्रदेश का भी, आज भी बहुत सारा चीज है लेकिन दिमाग में रखिएगा, जब इंडियन ज्योग्राफी वाला थोड़ा पार्ट वहां पढ़ाऊंगा वहां पे आएगा, जैसे पासेस जो पढ़ते हैं ना दर्रे, तो वहां पे तवांग ला और ये सब कुछ बहुत सारा आएगा, तो लॉजिक अभी के लिए समझ लीजिएगा कि तिब्बत पहुंचा जा सकता है, इसलिए म्यांमार को, सॉरी इसलिए म्यांमार भी इंटरेस्टेड था, अंग्रेज भी इंटरेस्टेड थे, जीता कौन फाइनली, अंग्रेज। अब उसके आगे का बात करेंगे तो तवांग के लोगों को जो है, ध्यान से समझिए, उनको मोनपाज कहते थे, मतलब तवांग का जो पर्टिकुलर लोग है उनको लोकली लैंग्वेज में क्या बोलते थे, मोनपाज। अब जरा आगे आना,
अच्छा मैंने आपके एक बात पढ़ाया होगा कहीं ना कहीं, बताना कहाँ पढ़ाया था, मैंने बोला था कि अंग्रेज लेबर लेकर आए तो थे, लेकिन चूंकि वो इसलिए आए थे क्योंकि वहां का जो आदमी था वो एलीट क्लास समझता था, इसलिए वो लोग लेबर क्लास का काम करना नहीं चाहता था। कहाँ पढ़ाया था? मैंने म्यांमार में बोला था आपको, म्यांमार में बोला था कि जो लेबर लेके गए लेकिन वहां का खुद लोग जो है वो काम करना नहीं चाहता था क्योंकि वो अपने आप को एलीट क्लास समझता था बड़ा, और सोचता था कि हम मजदूर वाला काम नहीं करेंगे, इसलिए अंग्रेज वहां पे लेके भी आए। क्लियर है यहां तक? खैर इधर आइए। देन उसके बाद तवांग जो है आंध्र प्रदेश का एक सबसे पुराना नाम है, इसने रेसिस्ट किया ब्रिटिशर्स को, बट ब्रिटिशर्स जो है ऑलरेडी आपको बोला कि क्या ही फर्क पड़ेगा, उसका ऑलरेडी इतना पावर वर्चस्व बढ़ चुका है, मतलब आप धकिया रहे हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, वो आपको धक्का देते दे लेके चला गया। अब आगे आएंगे, देन दो चीज होगा, सबसे पहला तिब्बत के साथ ट्रेडिंग कौन करेगा, ब्रिटिशर्स करेंगे या म्यांमार करेगा? ब्रिटिशर्स करेगा। इधर देखो, अब मैं इसके पहले जो पढ़ाया था चाइना वाले में, तो आपको बोला था कि चाइना के साथ ब्रिटिशर्स ने ट्रेडिंग करना शुरुआत किया था कि नहीं किया था? किया था, क्योंकि किंग डायनेस्टी को मजबूर कर दिया था उसने अंतिम तक, और बोला था दो वार हुआ था, फर्स्ट ओपीएम वार, सेकेंड ओपीएम वार। सेकेंड ओपीएम वार में किंग डायनेस्टी को हरा दिया और फिर बिजनेस शुरू कर लिया, और उस समय अंग्रेज ने चाइना को क्या बोला था कि भाई तू बिजनेस कर, हमको तुम पे कैप्चर नहीं करना है, हमको तुमसे बिजनेस चाहिए, तुम बिजनेस दो, बात खत्म, बुझा रहा है। इधर देखिए, तो अंग्रेज ने किसको किसको हराया, सबसे फर्स्ट किसको, म्यांमार को, और म्यांमार को हराकर असम को पूरी तरह से कैप्चर किया। देन असम से रास्ता निकाला लोहित वैली के थ्रू होते हुए तिब्बत पहुंचा। तिब्बत में जाने का मकसद यह था कि चाइना वाला पार्ट पूरा मिलता। किंग डायनेस्टी विरोध किया, अंग्रेज उनको भी हराया, और अब पूरा का पूरा एक तरह से कैप्चर किसका हो गया, अंग्रेज का। तो हम भी तो एक हिसाब से, इतिहास के हिसाब से हम भी तो कह सकते हैं क्या कि हमारा चाइना था पहले, अशोका के हिसाब से भी सब हमारा ही था। अरे है ना, जैसे चाइना ऐतिहासिक के लेकर कहता है, दूसरे से हमारा ही सब था, दूसरे से दे देना चाहिए, क्या बुझा रहा है। तो ओवरऑल ब्रिटिशर्स हर जगह डोमिनेट करते चले गए। और इधर देखो, ब्रिटिशर्स जब आगे ट्रेडिंग करने लगे तो उन्होंने बनाया आईएलपी, जो पढ़ाया इनर लाइन परमिट, और इन्होंने जानबूझ के इनर लाइन परमिट बनाया। उसके पीछे सिर्फ ये कारण था कि बिजनेस एक्टिविटी को अपने हिसाब से कंट्रोल कर बिजनेस कर सके। कोई आए, अरे भाई चेक पोस्ट लगाया जाता है, जैसे सरस्वती पूजा कुछ दिन में आने वाले है ना, हम पहले ही बोल देते हैं, अगर आप हिंदू का पर्व देखेंगे, एक पर्व खत्म हुआ नहीं दूसरे का पर्व का मैसेज आ जाने लगता है ग्रुप में कि अगर होली खत्म हो गया हो तो छठ का मैसेज चलवा देते हैं। अब लॉजिक आप सोच के देखिए, अभी कितना क्विकली सरस्वती पूजा बीता है, आपको आइडिया नहीं लगेगा, लाइफ ऐसे 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 बीतेगा ऐसे, और साल दर साल ना बीतता चला जाएगा। और आप अगर उम्मीद में लगे हुए हैं, अगर आप उस हिसाब से, समय के हिसाब से नहीं रिविजन कर रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, तो सर चुटकी बजाते ही निकल जाएगा टाइम। और अभी सरस्वती पूजा के चक्कर में क्या बैरिकेड हर जगह लगेगा, कुछ बुझा रहे हैं, हर किसी से लेगा, आदमी टेंशन में आ जाता है, और बैरिकेड लेके पता चलेगा कुछ जन जो है उधर पी लिया, कुछ जन पी के लौटा हुआ है, और सरस्वती पूजा में प्रसादी का जो है अतः पता आपको पता ही क्या है। एक बात आपको बता देंगे, जिस दिन आप गृहस्थ में जाइएगा, गृहस्थ जानते हैं ना, जब आप अभी तो आप ब्रह्मचर्य में है, हालांकि ब्रह्मचर्य में होने के बावजूद भी आप इधर उधर अपना जो है माला फेरते रहते हैं, बट फिर भी गृहस्थ में जब आप जाइएगा और प्रैक्टिकली आईएएस बन गए, फैमिली में चला रहे हैं, उस समय प्रसाद उत्साद मत लीजिएगा। जैसे कुछ लोग ना कई मंदिरों में जाते हैं, इंतजार घंटा घंटा पर करते हैं प्रसादी लिए के जाए के बाद, कुछ लोग ऐसा होते हैं, समझ में आ रहा है। सबसे बढ़िया ये काम नहीं करिएगा, ये सब काम आपको लगता है भगवान जी का प्रसाद है, ये उस सब चक्कर में पड़े, गृहस्थ आदमी यार अपना मेहनत से कमाते हो, अपना मेहनत से करो। प्रसाद उसके लिए है जो बहुत देर तक जिसके पास नहीं है, दो आदमी के लिए, एक वो आदमी के लिए जो इस दुनिया से अलग हो चुका है, मतलब उसको मतलब ही नहीं है, और दूसरा वो जो है मतलब साधु संत, और दूसरा वो जिसके पास है नहीं, वो मंदिर के भरोसे ही एक दिन जाता है क्योंकि एटलीस्ट एक दिन उसको खाना मिल जाए, तो उसका हक नहीं मारिए। आप गृहस्थ अपने मेहनत से काम करिए, छोटा चीज है लेकिन ये सब चीज बहुत आगे बढ़ाएगा। और ये अच्छा है, आईएएस ने जो है वो भी डाला था बाद में, जब वो गया था तो उस बात को बेचारा प्यार से बोला था, बाकी बोला कि बाकी मर्जी आपकी है, क्योंकि वो डोमिनेट थोड़ी ना कर सकता है, वो अपना पक्ष रख सकता है, तो बोला कि गृहस्थ आदमी को उस लेवल पर नहीं करना चाहिए। जैसे लंगर वगैरह लगता है, तो लंगर वगैरह दिल्ली वगैरह बहुत लगता है, मतलब बहुत जबरदस्त लगता है, दिल्ली में कोई भी बड़ा आदमी छोटा आदमी सब कोई लंगर में खाता है, चाहे वो फॉर्चूनर वाला हो, चाहे बीएमडब्ल्यू वाला हो, चाहे साइकिल वाला हो, लेकिन वहां पे आपको दिमाग में ये रखना है कि जो जरूरतमंद है उसको ज्यादा मिलना चाहिए। इसलिए प्रसाद के चक्कर में घंटों घंटों जो बिता देते हैं, कुछ लोग रुके रहते हैं, जय भगवान, वो काम नहीं करिएगा, बेकार काम है, ठीक है। हाँ, आपको अच्छा लगता है पूजा करना, आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस तरह से नहीं करिएगा। खैर इधर आइए, अब ओवरऑल मुझे बताइए जरा आप कि पूरा का पूरा कंट्रोल नॉर्थ ईस्ट से लेकर चाइना तक किसका है, ब्रिटिशर्स का है। तिब्बत अभी भी क्या गुलाम है कि इंडिपेंडेंट है?
इंडिपेंडेंट है, उस पर जबरदस्ती का किंग डायनेस्टी कैप्चर किया है क्योंकि अम्बंस को भेजकर वो चाहता है कि हम उसको टेक ओवर कर ले। बहाना दे रहा है कि कोई दोबारा जुंगा रिविलियन नहीं है, लेकिन बहाना ये सस्ता है। एक्चुअली मेन कारण यही है, मैंने बोला ना लत लुत लाई पचाठी पर जाई, समझ में आ रहे है? जो आपका लत है वो क्या है? अब चाइना का लत है क्या एक्सपेंशन करने का? आज देखो उस समय भी वही कांड करता था, आज भी वही कांड करता है, जहां जमीन खाली देखा अपना जाके झंडा गाड़ देता है। अब इस तरीके से काम जो है थोड़ा ध्यान में रखना है आपको। अब एक स्टेप थोड़ा सा आगे आते हैं, यही था ना? हाँ, ये पेज देख लिए थे हम लोग, चलो नेक्स्ट आना। इसको जरा अगर ध्यान से देखोगे तो अब जो है ये कहानी यहां से कुछ ऐसा चलेगा जो पूरा चाइना में लेकर अभी तक का कहानी चलेगा। मतलब एक होता नहीं है कि एक ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट को खींच के पूरा फिल्म बन जाता है, वही पॉइंट है ये। एक साउथ का फिल्म है, फिल्म ये है साउथ का, उसमें कि एक हीरो रहता है और हॉस्टल में एक लड़के का मर्डर हो गया है, और वो मर्डर होने के बाद वहां पे दो तीन लड़का ऐसा है जो और अपना सुसाइड करना चाहता है, कैसा कैसे हो गया, और पूरा मूवी जो है उसी में निकल जाता है। बाहर पुलिस आता है और मनाते रहता है कि किसी तरह से नहीं कूदे, और उस पर भी 3 घंटा 15 मिनट का मूवी है। पैसा चाटा हो, आप समझ पा रहे हैं कि जीवन में जो है इतना बेकार फिल्म नहीं हुआ, लेकिन एक पॉइंट को लेकर उसने क्या किया, पूरा मूवी बना दिया। ऐसे ही बहुत सारी मूवी इसी तर्ज पे बन जाता है, सेम वही है ये, इसके तर्ज पे पूरा अभी तक का चाइना खींचेगा अभी तक का, और जो इसको नहीं समझा वो आगे कभी समझ में नहीं आएगा, इसीलिए अभी समझ लीजिएगा तो फायदेमंद में रहिएगा। तो सर आते हैं अभी तक जो पढ़ाया हूं मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं, और फिर इसके बाद हम लोग आज यहीं तक करेंगे, इसके आगे नहीं बढ़ाएंगे। रेडी हो? चलो तो पहला पॉइंट फिर से बोल देता हूं, चाइना का बात अगर करते हैं इंडिया के साथ तो दो तीन कारण आपको दिमाग में रख लेना है। सबसे पहला तिब्बत वाला पार्ट, कि तिब्बत इंडिपेंडेंट पहले से था, वो आज भी इंडिपेंडेंट है, लेकिन अभी उसका गर्मा गर्म सियासत अलग है उसमें। दूसरा मैंने बोला कि अहोम किंगडम जो असम में था उसको भी परास्त किया किसने? ब्रिटिशर्स ने। और उसके बाद ब्रिटिशर्स का इंटरेस्ट म्यांमार में तो पहले से था, असम में भी होना शुरू हो गया, असम को कैप्चर किया, म्यांमार से लड़कर एंग्लो बर्मा वार हुआ, फाइनली वहां से बढ़ते हुए तिब्बत की तरफ गया, चाइना की किंग डायनेस्टी से लड़ा, उन पे भी कब्जा कर लिया। क्लियर? ओवरऑल पूरा व्यापार कंट्रोल किसके में चल रहा है? ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग चल रहा है। डन यहां तक। अब दूसरा पहलू पे आते हैं, अर्लियर पंजाब। अब सर हम अभी नॉर्थ ईस्ट का बात कर रहे थे, अब सीधा हम लोग चल गए उधर, समझ में आ रहा है, पंजाब की तरफ, यानी कि नॉर्थ वेस्ट में आ गए लगभग। अब पंजाब में जब आएंगे तो दो चीज दिमाग में रखिए, पहला रंजीत सिंह वहां के सबसे बड़े ताऊ थे, ताऊ राजा, और काफी स्ट्रॉन्ग, जिनका एरिया बहुत बड़ा था और जिनके सामने किसी का चलता उलता कुछ नहीं था, तो ही वाज़ ए वेरी स्ट्रॉन्ग रूलर, और पहली बात दयालु आदमी भी था, मतलब दोनों चीज था साथ साथ, तो ये होना आमतौर पे उस समय बहुत स्वाभाविक नहीं होता था, राजा का दयालुपन होना ये बहुत कम चांसेस है कि उस समय होगा, उस समय राजा को तौला ऐसे नहीं जाता था। ये तो मॉडर्न में फिर भी लगभग आ गए 1839 और उसके बाद इनका तो डेथ हो जाएगा, बट इंटरेस्टिंग है कि जो मरना रंजीत सिंह का है, या रंजीत सिंह का जिस तरीके से जिस पहलू पे है, उस समय राजा इतना दयालु हो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। और मैंने इसीलिए बोला कि इतिहास जब आप पढ़ेंगे तो इतिहास में पर्सनली नहीं लेना है, इतिहास में सिर्फ ये लेना है कि उस समय राजा किस तरह से करता था। अब देखो बहुत सारा सिचुएशन ऐसा होता है जिस सिचुएशन में आपको क्या लगेगा, जैसे तुलसीदास बहुत बार जो है वर्ण व्यवस्था का चोट किए हैं कि वर्ण व्यवस्था बेकार होता है, चाहे ये बहुत सारा बात बोले, तो अभी के समय का लोग क्या बोलता है जानते हो? अभी के समय का लोग ये बोलेगा कि बॉस ध्यान देना कि उस समय तुलसीदास ने क्या किया, कि तुलसीदास वर्ण समर्थक थे, घोर वर्ण समर्थक, वो भी थोड़ा मोड़ा नहीं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है, अभी के समय में आपको भी नेक्स्ट जनरेशन गाली देगा, पता है क्यों? क्योंकि अभी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ट्रांसजेंडर, समझ में आ रहा है? अब ट्रांसजेंडर को अगर हम अभी आप सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आने वाले 200-300 सालों के बाद ट्रांसजेंडर बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, जैसे कास्टिज्म खत्म हो गया, सुन पा रहे हैं? अब उस समय जो जनरेशन है वो आपको गाली देगा कि कितना अजीब आदमी था जो ट्रांसजेंडर को उस समय वैल्यू नहीं देता था। तो अभी होमोसेक्सुअलिटी क्या है, सबसे सेंसिटिव मुद्दा है, जिस मुद्दे पे अभी कुछ लोग उस पर क्या है सहमति जता रहे हैं, कुछ लोग असहमति जता रहे हैं। तो इसी तरह से कोई भी आदमी जिस समाज में पहले रहता है, ध्यान से समझिएगा, वो इंटरेस्टिंग तरीके से क्या है, उस समय के हिसाब से वो ओपन ही था। तुलसीदास ने उस समय जितना समर्थन किया, बड़ा गाली सुने, वर्ण व्यवस्था का सोचिए, एक राम जी ने उस आदमी का वध इसलिए कर दिया क्योंकि वो शूद्र था, क्योंकि वो छोटी जाति का था। तो अगर इस व्यवस्था को अगर बंद कर दिए और तुलसीदास का अगर इस चीज को हटा दिया जाए तो बाकी जो है रामचरितमानस और ये सब बहुत तगड़ा है, उससे बढ़िया कोई सेल्फहेल्प बुक है ही नहीं जीवन में। लेकिन क्या बात है, तुलसीदास को फिर भी उसके लिए गाली पड़ती है कि कितने घोर समर्थक थे वर्ण व्यवस्था के, जबकि सच बात यह है कि उस समय सबसे ओपन वही थे। तो मैं क्या बोला हूं कि किस समय किस समाज का क्या रोल है उसके हिसाब से समझिएगा।
हमारे और आपके साथ प्रॉब्लम क्या होता है कि आप ये सोचते हैं कि वो कितना बेकार आदमी था, जबकि उस समय के हिसाब से आप सोचिएगा कि आप समझ पा रहे हैं क्या बोल रहा हूं। अब अभी जैसे ट्रांसजेंडर का पहलू है, तो आप ट्रांसजेंडर पे दोनों है, दो विचारधारा है, बाई पोलैरिटी चल रहा है, कुछ लोग समर्थन में कुछ लोग ये है। लेकिन आज से 150-200 सालों के बाद मैंने बोला बिल्कुल कॉमन बात होगा, और उस समय का जनरेशन आपको और हमको क्या गाली दे रहा होगा कि कैसा गीत मतलब कैसा नीच लोग था जो उस समय इतना विरोध करता था और डिस्क्रिमिनेट करता था। तो लॉजिक यह है, जब किसी का भी आप तुलना कुछ भी करें तो हमेशा ध्यान रखें कि उस समय समाज का क्या चल रहा था। और इसीलिए हर कहानी का अपना एक अलग अलग फेज होता है। कुछ बुझा रहा है कि पूरा बुझा गया? तो लॉजिक ये है कि सर अगर आप जैसे भक्ति काल या बहुत सारा चीज देखते हैं, जिस समय जो राइटर जो भी चीज लिखा है उस समय का सिंपल लॉजिक क्या है कि उस हिसाब से लिखा है तो आप उस हिसाब से ही समझना। तो जब राजा थे तो पर्सनली नहीं लेना है, राजा में ये लेना है कि उस समय राजा का गुणगान तभी होता था जब राजा ज्यादा लड़ाई जीता हो, और वो किस तरह से जीता है मैटर नहीं करता था, उसका जितना इंपॉर्टेंट है। तो सिमिलरली जरा ध्यान देना, रणजीत सिंह सिंपल क्या है, वो पर्सन है जिसका वर्चस्व बहुत ज्यादा है और टेरिटरी बहुत बड़ा है, और पूरा पंजाब का इंटायर एरिया उनके अंदर पे तो है ही, प्लस आगे चलकर वो लद्दाख और पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर सब उनके कैप्चर में है। क्या समझ में आ रहा है? और इंटरेस्टिंग बात जरा ध्यान रखिएगा, रणजीत सिंह दो आदमी को जो सबसे ज्यादा प्रमोट किए उसमें एक आदमी था गुलाब सिंह। क्या नाम है? और गुलाब सिंह वाज द किंग ऑफ J&K। अब जम्मू कश्मीर के जो राजा हैं उनको कौन ज्यादा मतलब बैठाया कौन है कुर्सी पे, कौन बैठाया है? रणजीत सिंह। एक कुछ ऐसा हो गया कि नरेंद्र मोदी है और नरेंद्र मोदी ने बैठा दिया मान लीजिए किसको बैठा दिया, अमित शाह को, क्या बना दिया गृह मंत्री। दोनों मिल मिलके जो है भाई भाई खेलता है पूरा इंडिया में सर, बीजेपी का जो है ऐसा काम करके रखती है। खैर जो भी है उससे मतलब नहीं है, रणजीत सिंह ने गुलाब सिंह को उसके पीछे बैठाने का दो मंशा था। सबसे फर्स्ट गुलाब सिंह पावरफुल था नो डाउट, और गुलाब सिंह दूसरा एक सबसे इंपॉर्टेंट था कि वो पूरे कम्युनिटी को साध के रखता था। देखो इधर सबसे बड़ा प्रॉब्लम किसी भी राजा का हारने का उस समय क्या हुआ, जो भी हारा जैसे अकबर से पहले जितने भी राजा हारे क्या कारण था, घोर समर्थन होना अपने धर्म के प्रति, और इस तरीके से वो घोर समर्थन के कारण मारे गए। लेकिन रणजीत सिंह सेकुलरिज्म पे थोड़ा प्रमोट किया जिसका फायदा हुआ। तो जरा ध्यान से प्लीज समझिएगा, जम्मू कश्मीर के किंग कौन? गुलाब सिंह को कौन अपॉइंट किया? रणजीत सिंह। डन रखना एकदम मजेदार तरीके से। अब गुलाब सिंह जो है एक उसमें कास्ट था J&K का डोगरा कास्ट। अब जो ध्यान से समझिएगा इसका प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होते रहते हैं, उसमें मतलब नहीं रखिएगा। अब डोगरा कास्ट जो है ये जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत ज्यादा प्रभावित था गुलाब सिंह से, और गुलाब सिंह थे टिकाने वाला आदमी। समझ में आ रहे हैं? मतलब टू बी वेरी फ्रैंक मैंने क्या बोला, जैसे जवाहरलाल नेहरू है तो जवाहरलाल नेहरू का अपना जो ये फेमस है, ध्यान से समझिए, अच्छा जो मैं बोलता हूं तो उतना ही पचाइएगा, ये नहीं कि जाके अगर मान लो कोई मेंस में ऐसा लिख दे लेट से कि जवाहरलाल नेहरू जो है मस्त इसमें करते तो और फोटो बना दे ऐसा निकला हुआ, बवाल हो जाएगा। आप समझ पा रहे? ये लाइटर नोट पे ही रखिएगा, हमारे आपके बीच का ही बात है, हमको पता है नहीं करिएगा, मजाक कर लेना है। डोगरा कास्ट को जो सपोर्ट किया, ध्यान से समझना, गुलाब सिंह का सबसे बड़ा जीत था डोगरा कास्ट जो कि वहां का लोकल पीपल थे, कहां के? जम्मू कश्मीर के। और जम्मू कश्मीर का जैसे इनको सपोर्ट मिला तो दो चीज, रणजीत सिंह का डायरेक्शन क्लियर था कि फैलाव नहीं करना है, जितना एरिया है उस एरिया को मेंटेन करो। कौन? प्लीज बोलते रहना जल्दी से, कौन? अब सर गुलाब सिंह जो है ये दूसरा टाइप का आदमी है, ये कह रहा है फैलाव हमारे खून में, हम एक्सपेंशन करेंगे, ध्यान से समझना, और ये एक्सपेंशन करने में इस लेवल तक माहिर है कि लगभग सर कैलाश मानसरोवर तक इसने अपना कैप्चर कर लिया। रणजीत सिंह कह रहा है क्या कर रहा है भाई, क्या कर रहा है, मना कर रहे हो सर, वहां तक जाकर हरा उड़ा के जितने भी सारे बुद्धिस्ट थे सबको मार मुड़ के बराबर कर दिया। ध्यान से समझना, यानी कि एक एरिया जो बोला गया कि यहीं तक रखना है, गुलाब सिंह ने उसको एक्सपैंड कर आगे तक पहुंचा दिया। रणजीत सिंह इस बात से काफी दुखी हो गए, लेकिन उसके पीछे एक हाथ था। एक और नाम है याकूब बेग। क्या नाम है? अब याकूब बेग का रोल इतना मजेदार है कि याकूब बेग जो है ये पर्टिकुलरली उस एरिया में था, ध्यान से समझिएगा, जहां पे चाइना का कंट्रोल था, और चाइना ने याकूब बेग को एक तरह से अपॉइंट किया था और बोला था कि बॉस ऐसा है कि इस एरिया में तू है, किसी और आउटसाइडर्स को आने मत देना। बुझा रहा है? और याकूब बेग जो है ये बहुत अच्छा दोस्त था गुलाब सिंह का। किसका? गुलाब सिंह। तो याकूब बेग परेशान हो गया था कि यार चाइना वाला सब आर्मी आता है बार बार और ये सब जो है तहस नहस करके अपने हिसाब से चला जाता है। इस दुनिया में हर कोई इंडिपेंडेंट रहना चाहता है और हक भी है उसको रहने का। याकूब बेग ने गुलाब सिंह को बोला कि भाई मदद करेगा, आजाद होना चाहते हैं। गुलाब सिंह बोला हमको क्या मिलेगा? कह रहे तुमको जो मिलेगा सो मिलेगा, जो होगा होगा, पहले मदद करे। बोला हाँ। अब दोनों सामने टिका रहे थे, दोनों हाँ कर दिए। समझ में आ रहे?
अब सर जो चाइनीज आर्मी जो कंट्रोल में थी और याकूब बेग को जो आकर वहां पे कंट्रोल करती थी मारना शुरू किया और वापस से गुलाब सिंह और याकूब बेग ने चाइनीज आर्मी को मारकर भगा दिया। ओवरऑल वो टेरिटरी पूरा इंडिपेंडेंट हो गया। अब आप मुझे बताइए ये वही एरिया है जो आज के समय का विगर मुस्लिम्स को प्रताड़ित किया जाता है। चाइना के अंदर जो आज इतना विगर मुस्लिम्स का बार बार डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, करंट में सब इधर उधर खाली रट के आ जाता है, बट इंटरेस्टिंग बात है कि उसके पीछे का इतिहास उनको पता नहीं रहता है। अब उसके पीछे मैंने बोला याकूब बेग का एक गलती बर्बाद करेगा, ध्यान से समझिएगा, याकूब बेग का एक गलती उसके वजह से आज भी चाइनीज को ये लगता है कि मुस्लिम जो है जो चाइनीज में है इनको डायरेक्टली फोर्स करते रहता है कि बेटा ऐसा है हमारे धर्म वाला में आ जाओ, और ये लोग नहीं जाते हैं जिसके कारण इनको प्रताड़ित किया जाता है। और क्यों? क्योंकि चाइनीज को ये लगता है कि याकूब बेग जैसा ये बदल ना जाए कहीं, समझ में आ रहा है। तो याकूब बेग ने मदद किसका लिया? गुलाब सिंह का, बुझा रहा है। और गुलाब सिंह ने मदद जोरदार तरीके से किया, जब जीत गया तो गुलाब सिंह को बोला क्या चाहिए बताओ, तो गुलाब सिंह बोला तुम ही बताओ क्या देगा, तो सर ये बोला कि तुमको जहां जमीन मतलब है वहां तुम ले लो। तो गुलाब सिंह बहुत सोचा और सोचने के बाद सोचा ऐसा जगह पे जमीन लेते हैं जहां पे चाइना को भी टारगेट किया जा सके जो उधर है और इधर का भी काम हो जाए। तो बोला अक्साई चीन में कहीं को जमीन दे दो, कुछ बुझा रहा है। और बोला कि हमको बड़का नहीं चाहिए, हमको थोड़ा इतना जगह दे दो जहां हम अपना आर्मी रख लें, पोस्टिंग हो जाए और एक लिसनिंग पोस्ट की तरह काम हो जाए। यहां तक क्लियर है? जोर से बोलो। yes, नहीं भी क्लियर हो तो भी हाँ बोलना है जोर से, यस और नो? अलर्ट रहना। तो लॉजिक अब ओवरऑल फिर मैं समझा देता हूँ। सबसे फर्स्ट पॉइंट फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से समझना, रणजीत सिंह वाज द पावरफुल किंगडम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पंजाब, लेकिन अपॉइंट किसको किया था? गुलाब सिंह को। गुलाब सिंह एक्सपेंशनिस्ट थे कि सर कंट्रोल में रहते थे? एक्सपेंशनिस्ट। रणजीत सिंह नहीं, उनका मतलब क्लियर था, जितना है उसको मेंटेन करना है। गुलाब सिंह ने जैसे एक्सपेंशन किया उसके बाद गुलाब सिंह के सबसे बेस्ट फ्रेंड निकला याकूब बेग। याकूब बेग ने अपने टेरिटरी से भगाने के लिए किसकी मदद करी? गुलाब सिंह की। दोनों मिलकर हटा दिए, उसके बाद जमीन मांगा, गुलाब सिंह ने जमीन अक्साई चीन में मांग लिया। ये वही जमीन है जिसका विवाद अभी तक चल रहा है, उसके बाद मैकमोहन लाइन, जॉनसन लाइन, आगे सारा का सारा लाइन क्रिएट होगा। और अभी का अभी 1962 का जो वार और कॉन्फ्लिक्ट हुआ वो भी सिर्फ उसी वजह से हुआ, क्योंकि इसके बाद इधर क्या मुझे बताइए कि तिब्बत का कुछ हिस्सा जो अक्साई चीन का है फॉर एग्जाम्पल समझ लो, क्या पूरा हिस्सा दे दिया गया था गुलाब सिंह को या फिर सिर्फ थोड़ा एरिया दिया गया था? थोड़ा एरिया। लेकिन जब आया लाइन बनाने और बॉर्डर बनाने तो उसने लगभग पूरा एरिया दिखा दिया कि इंडिया का है। तो क्या गलत है कि सही था? गलत था भाई, गलत था ये। और वो मैप कभी भी पब्लिश किया ही नहीं गया, तो इंडिया को ये लगता था कि वो एरिया हमारा है। चाइना को हमेशा से लगता था कि भाई वो एरिया हमारा है, इंडिया का कैसा हो सकता है। और ये मिसअंडरस्टैंडिंग जो है बर्बाद करके ले गया। और मैंने बोला मिसअंडरस्टैंडिंग लेड टू कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉन्फ्लिक्ट लेड टू वार। तो मिसअंडरस्टैंडिंग चाइना को क्या लग रहा था जब वो मिलने आया 1962 में, तो उसको लगा कि जब एरिया मेरा है तो हम इंडिया से क्यों बात करें, और इंडिया को लगा जब चाइना कुछ बोल ही नहीं रहा है तो हम क्यों कुछ बोले। अरे भाई जब वो कुछ बोल ही नहीं रहा है तो क्यों बोले? लेकिन सर दोनों का एक गलती 1962 का बर्बाद करके गया। और सबसे नुकसान हमको हुआ कि चाइना को? हमको हुआ। और इतना सारा एरिया लगभग राजस्थान का जितना स्क्वायर किलोमीटर एरिया है उतना लगभग हमारे कैप्चर से निकल गया। तो सर मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं, इसलिए कम्युनिकेशन मैंने बार बार बोला है तगड़ रखिएगा, किसी से लड़ाई भी हो जाए कुछ भी हो जाए, बोला ना मम्मी पास लड़ाई हो जाए फिर भी कम्युनिकेशन रखना है, कम्युनिकेशन गैप हो जाएगा तो बहुत बड़ा गैप हो जाएगा, उसके बाद फिर आपको संभालना टफ हो जाएगा। कुछ बुझा रहा है? चलिए तो अब आइए जरा यहाँ पे इस लाइन को पढ़ना क्या लिखा है। ब्रिटिशर्स गॉट कंट्रोल ओवर जम्मू एंड कश्मीर, सॉरी इसके पीछे एक और पेज था ना, ये वाला देखना। तो पहला इसको पढ़ लेना जो मैं बताया हूं, बस ध्यान से नोट्स इतना ब्यूटीफुली तरीके से लिखा हुआ है ही, आसान तरीके से देख लेना एक बार। देखो यहां पे समझना, तिब्बत को कैप्चर कर लिया, इनफैक्ट उन्होंने कैलाश मानसरोवर को भी कर लिया था। किसने? गुलाब सिंह ने। लेकिन क्या रणजीत सिंह ने दिया था? परमिशन नहीं दिया था। आगे चलकर फिर बाद में आगे चलकर रणजीत सिंह ने मना किया और फिर से वो एरिया जो बुद्धिस्ट को था जो कैप्चर गुलाब सिंह ने किया था वापस कर दिया। क्योंकि सर इंडिया का इतिहास कभी रहा नहीं है कि हम कभी भी किसी पे एक्सपेंशन किए हों, कभी भी पहला अटैक हमने नहीं किया है, ना हमने कभी इंपीरियलिज्म किया है ना हमने कभी कॉलोनियलिज्म किया है। दोनों क्लियर है? अब जरा नीचे आना, एक डेट है 1839, दिख रहा है? रणजीत सिंह डाइड 1839 का डेट भूलना मत, ये वो वक्त है जिस समय भारत के इतिहास बहुत पलटने वाला है और रणजीत सिंह के सिर्फ डेथ के बाद इतना आक्रमण शुरू होने वाला है और इतने तरीके से इंडिया के रिसोर्स को बर्बाद किया जाएगा जिसका हाथी सामने है। तो सर 1839 में किसका डेथ हो गया? रणजीत सिंह। अब रणजीत सिंह का जैसी डेथ हुआ सबसे ज्यादा किसी को इनसिक्योरिटी हुआ तो उनके बेटे थे और उसके बाद गुलाब सिंह। कारण देखिए, रणजीत सिंह का बेटा था शेर सिंह। क्या नाम है? नाम भी है सर, नाम में वजन होना चाहिए, है ना? अब सर कभी भी आपने डॉग सिंह तो नाम सुना नहीं होगा। अच्छा नाम मैंने बार बार बोला कि नाम हमेशा शेर ही होता है, उसके पीछे भी कारण है।
तो सर कारण बहुत सारा है, उधर बाद में जाएंगे। जैसी शेर सिंह जो है स्वाभाविक नेचुरल तरीके से नियम क्या है कि राजा का बेटा क्या बनेगा, राजा। लेकिन सर वहां के लोगों ने बगावत कर दिया और बोला कि शेर सिंह को तो बने नहीं देंगे, और स्पेशली उसमें जो कुछ लोग थे सिंधवालियाज थे, जो वहां के लोकल पीपल थे, दे सेड कि शेर सिंह इज नॉट एलिजिबल, इसलिए शेर सिंह का जो है खात्मा होगा और इसके जगह पे कोई और बैठेंगे, और कोई और बैठेंगे यानी कि सिंधवालिया कहीं कोई दूसरा राजा बैठेगा लेकिन शेर सिंह नहीं बैठेगा। क्या समझ में आ रहा है? अब आप मुझे बताओ सबसे ज्यादा इनसिक्योर कौन होगा, शेर सिंह? गुलाब सिंह इनसिक्योरिटी इसलिए होगा क्योंकि गुलाब सिंह को अपॉइंट किसने किया है, रंजीत सिंह ने। तो गुलाब सिंह का समर्थन किसके किसके तरफ जाना चाहिए, रंजीत सिंह के बेटे की तरफ यानी कि शेर सिंह की तरफ? अरे हाँ ना, जोर से बोलो ऐसा ना। अच्छा ईमानदारी से बोलो, क्या बोल रहे हो तो छोड़ दें या बढ़ाते रहें, अलर्ट रहना। तो ध्यान से समझना, शेर सिंह जो है सोचा कि भाई मेरे पास अब कोई समर्थन है नहीं, तो शेर सिंह भी किसके पास जाएगा, गुलाब सिंह के पास। तो ऑपोजिशन मैच हो गया। सिंधवालिया हरामखोर लोगों ने क्या किया, ध्यान से समझिएगा, ये लोग मदद ले लिए ब्रिटिशर्स से। ब्रिटिशर्स इंडिया पे राज किए, इसका मतलब ब्रिटिशर्स पावरफुल थे ऐसा कतई नहीं है, उनका जिस लेवल पे था हम लोगों ने उनको गेम प्लान दिया। ना हमारे में यूनिटी था, ना हम किसी की मदद करते थे, हमको अपने ही नशे में धुत थे। तो सर अंग्रेज ने सोचा सोने पे अभागा सोने पे सुहागा, लॉजिक है, उन्होंने फायदा उठा लिया। इधर देखिए, सो सिंधवालियाज ने किसका मदद लिया, प्लीज समझना नहीं तो आगे चल के दिक्कत होगा। सिंधवालियाज किसका मदद लिया, ब्रिटिशर्स। गुलाब सिंह ने मदद किसका लिया, शेर सिंह का। मतलब शेर सिंह ने मदद किसका लिया, गुलाब सिंह। दो मैच हो गए, शेर सिंह गुलाब सिंह वर्सेस ब्रिटिशर्स प्लस सिंधवालियाज। यहां तक क्लियर है? तो सर दो लोगों के बीच में लड़ाई हो गया, एंड शेर सिंह जैसे ही लड़ेगा, अब आप इमेजिन करके सोचो, कॉमन सेंस, अभी आगे कुछ पता नहीं है, बट थिंक अबाउट इट कि कौन जीता होगा। कहने की बात ही नहीं है, हमारे अंदर तो ऐसे भी क्या था, इधर देखो घर का भेदी वाला जो आप कहावत सुने होंगे, जब सिंधवालियाज खुद अपने राज्य के रहकर विरोध कर चुके हैं तो फिर कौन हराएगा। मैंने बोला ना, घर के लोग तभी हारेंगे जब बाहर कोई आउटसाइडर्स आपके पास आता है, उसका चिंता नहीं है, जब आपके आपस में लड़ाई होगा तब। रावण को मारना इतना आसान थोड़ी ना था, विभीषण जिंदाबाद। इसलिए आपका कोई आदमी अपने बेटे का नाम विभीषण रखा है कभी? नहीं रखा है। दो नाम कभी नहीं रखेगा, ना विभीषण ना कैकेयी, कभी भी नाम दोबारा इतिहास में कोई रखेगा नहीं, और रख दिया तो समझ लेना इतिहास फिर दोबारा दोहराया जाएगा, इसलिए ये नाम कभी भी नहीं आएगा क्योंकि उसके पीछे बहुत बड़ा जो है साहित्य की इंपॉर्टेंस है, कभी नहीं रखेगा। और इसलिए जब किसी को धोखाबाज कहना होता है तो क्या कहना है, सिंपल बोल देना है विभीषण, सर उसको सबसे ज्यादा बुरा लगेगा, आप समझ पा रहे हैं, और वो सह नहीं पाएगा। तो लॉजिक क्या है कि शेर सिंह का लड़ाई हुआ और जीतेगा कौन, ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स अभी तक पावरफुल हो चुके हैं, देखो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन अपने चरम सीमा पे है 18 सेंचुरी के अंदर, औद्योगिक क्रांति के लिए रिसोर्स चाहिए, ब्रिटिशर सारा रिसोर्स कब्जा कर ही रहा है, म्यांमार नॉर्थ ईस्ट स्टेट तिब्बत चाइना सबको कब्जा कर लिया है, सुन पा रहे हैं, पावरफुल है। अंग्रेज इतने पावरफुल होने के बाद इंडिया का लोग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यूनिटी नहीं है। जैसे ही जीता, इधर देखना शेर सिंह हार गया और साथ साथ गुलाब सिंह भी हार गया, अब ब्रिटिशर्स बोल रहा है अब का जीतने के बाद तो होगा हिसाब किताब। तो हिसाब किताब क्या बोला जाएगा, तो हिसाब किताब बोला गया कि एक चीज होगा, जम्मू कश्मीर बेच दो। मतलब जम्मू कश्मीर का जो राजा है कौन था, अरे बोलो ना, गुलाब सिंह। तो बोला कि बेटा ऐसा है, तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो गद्दी छोड़ो या तुम इतना पैसा हमको दो। पैसा था नहीं देने के लिए, बोला गद्दी छोड़ देते हैं। और ऐसे भी सिंधवालिया चाहता था कि जो गुलाब सिंह ने क्या है, गद्दी छोड़ दे, बात खत्म। अब यहां पे दो तरीके से होगा, और मैंने बोला आपको लड़ाई कभी भी दो तरीके से इंपॉर्टेंट होता है, जब ट्रीटी होता है। मैंने वर्ल्ड वॉर वन के बाद क्या बोला, वर्ल्ड वॉर वन के बाद जो ट्रीटी ऑफ वर्सलीज हुआ उसके कारण तय था कि वर्ल्ड वॉर टू होगा। जर्मनी को बैकफुट पे भेज दिया गया, इटली फ्रांस को धोखा दे दिया गया, फ्रांस को जापान को, इटली को क्या चाहिए था, लीबिया चाहिए था, और उसको क्या चाहिए था, मंचूरिया, दोनों को कुछ नहीं मिला, और इसकी वजह से मामला हुआ। तो ध्यान से समझना है रिवीजन करते हुए। अगर इसके बाद इधर देखिए, ब्रिटिशर्स प्लस सिंधवालियाज डिफिकेट गुलाब सिंह प्लस शेर सिंह, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में है। आगे आना, नेक्स्ट 1846 में एक ट्रीटी हुआ जिसको ट्रीटी ऑफ लाहौर बोलते हैं, और ट्रीटी ऑफ लाहौर के तहत बोला गया कि अब क्या होगा, हारने के बाद क्या होगा कालिया। अरे हारने वाले के पास कोई ऑप्शंस होता है क्या, कोई ऑप्शंस नहीं होता है। जर्मनी हारा जब, तो जर्मनी के पास कोई ऑप्शंस नहीं था, इतना लाद दिया गया कर्जा उस पे जिसका हिसाब किताब नहीं। तो हारने के बाद आपके पास कुछ ऑप्शन नहीं है, मान नहीं है आपको। अब जैसे ये माना, दो चीज हुई, ब्रिटिशर्स डिमांडेड 15 मिलियन नानक साहिब रुपीस, 15 मिलियन नाना उस समय, और ये सिंधवालिया से मांगा कि मदद किए हैं तो कुछ तो मिलेगा कालिया।
तो सिंधवालिया से बोला पैसा तो है भी नहीं रे, पावर में तो अपन कभी थे ही नहीं, पावर में कभी थे ही नहीं तो पैसे कहां जाएंगे। तो उसने क्या सोचा कि दो तरीका है, गुलाब सिंह कहां गए जम्मू कश्मीर का, तो ब्रिटिशर्स दो चीज बोली, देखो रुपीज फ्रॉम सिंधवालिया एंड वे लोग नहीं दे पाए तो बदले में जम्मू कश्मीर ब्रिटिशर्स ने मांग लिया और बोला कि कोई बात नहीं जम्मू कश्मीर दे दो। सर जम्मू कश्मीर एक ऐसा जगह है जो वर्ल्ड का सबसे फेमस पॉपुलर और सब लोग का डिजायर इतना स्ट्रांग है जम्मू कश्मीर का कि पूछो मत, आज तक जम्मू कश्मीर का जो है विवाद सुलझा नहीं है, मतलब सुलझ गया है उसके बावजूद भी जो है जम्मू कश्मीर इंटरेस्टेड है। इधर जैसी मांगा सिंधवालिया क्या बोला, भाई गुलाब सिंह क्या मेरे काम का है, अपोजिशन में लड़ा है दे दिया। तो जम्मू कश्मीर जो है हैंड ओवर कर दिया गया और इसके लिए एक अलग से ट्रीटी किया गया जिसका ट्रीटी ऑफ अमृतसर बोला गया। एंड ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन होने के बाद अंडर दिस ब्रिटिशर्स गॉट कंट्रोल ओवर जम्मू कश्मीर लद्दाख। तो आप मुझे बताइए क्या गुलाब सिंह अभी भी जम्मू कश्मीर लद्दाख के किंग है कि ब्रिटिशर्स हैं? अच्छा आप मुझे बताओ, ब्रिटिशर्स को घंटा फर्क नहीं पड़ता था कि टेरिटरी क्या है नहीं है, ब्रिटिशर्स को सिर्फ इस बात का फर्क था कि हम यहाँ के हैं नहीं, जितना मन निचोड़ना है निचोड़ लो, पूरा रिसोर्स लेकर वहां पहुंचाओ, बाकी यहाँ का जो है यहाँ रहने दो, बात खत्म। तो ब्रिटिशर्स ने बाद में क्या बोला, दो चीज बोला, देखो इधर गुलाब सिंह को कि राजा बनना है, गुलाब सिंह बोला बनना है तो दो काम है, इतना पैसा दो जम्मू कश्मीर लो। आप सोच के देखो ब्रिटिशर्स जिसका कुछ नहीं है, जम्मू कश्मीर हमारा है, हमारे जम्मू कश्मीर पे पहले उसके बदले वो कैप्चर किया, फिर उसी आदमी को देकर पैसा भी ले लिया, उसको रियलिटी में पहले डिमांड क्या किया था, पैसा ही तो मांगा था, जब पैसा नहीं दे पाया तो जान उसके जम्मू कश्मीर लिया और जम्मू कश्मीर लेने के बदले फिर उसी आदमी को बोला कि तुम पैसा दो जम्मू कश्मीर ले जाओ, हमको क्या इंटरेस्ट है। सोचिए जमीन आपका, घर आपका, व्यापार कोई और कर रहा है, इसमें गलती किसकी है? ब्रिटिशर्स की तो कतई गलती नहीं है, वो हम ही थे जो हम मौका दे रहे थे। दूसरा क्या, अगर सिंधवालिया उस तरीके का क्रिएट नहीं किए रहते तो मामला नहीं होता। पहले यहां तक डन है। इधर देखिए फाइनली जब उन्होंने दो चीज बोली, देखो कुछ अमेंडमेंट किया उसके बाद ये 75 लाख में गुलाब सिंह ने जो है जम्मू कश्मीर ले लिया, मतलब ब्रिटिशर्स ने 75 लाख में गुलाब सिंह को वापस से जम्मू कश्मीर हैंड ओवर कर दिया, लेकिन दो बात बोला और वो दो बात इतिहास का सबसे टर्निंग पॉइंट रहा। पहला कि बेटा ऐसा है तुम सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव संभालोगे, तुम्हारा प्रशासन सिर्फ चलेगा लेकिन हमारे ही सारे पे चलेगा, और दूसरा बात जम्मू कश्मीर और लद्दाख की जो बाउंड्री है वो हम डिसाइड करेगा तुम नहीं। को समझ में आ रहे कहां से कहां तक क्या होगा नहीं होगा, कौन डिसाइड करेगा? ब्रिटिशर्स के लिए गुलाब सिंह। अच्छा गुलाब सिंह सोचा, हमको कहा मैंने की, गुलाब सिंह सोचे एकदम आसान बात है, क्या है हमको राजा बनना था, हम बन गए, बात खत्म। तो गुलाब सिंह सिंपल बोले डन, इन दोनों में से कुछ भी नहीं करेंगे, हमको राजा बनने दीजिए, बात खत्म, क्लियर है। तो ओवरऑल मुझे बताइए गुलाब सिंह लालची आदमी थे कि नहीं थे? अरे भाई गुलाब सिंह अगर लालची नहीं रहता तो वो एक्सपेंशनिज्म में बिलीव करता नहीं, और दूसरा हम उसके बिहेवियर के हिसाब से किसी राजा को जज नहीं कर सकते, मैंने पहले ही बोला, इसलिए क्योंकि उस समय राजा का एक ही दायित्व था कि उसके हाथ में कैप्चर होना चाहिए, उसके हाथ में पावर होना चाहिए, कुर्सी होना चाहिए, जैसे आज के नेता लोग हैं वैसे ही हैं। नेता लोग का कुर्सी जाता है तो इस पार्टी से उस पार्टी चले जाते हैं, पलटूराम का ऐसा ही थोड़ी ना टाइटल मिलता है, पलटूराम का भी टाइटल मिलने के पीछे बहुत बड़ा कारण होता है, आपका मेहनत है इतना, आपका फीचर, आपने इतना बयाल बॉल बॉल दिया है, तो ऐसे ही थोड़ी होता है। कोई ऐसा नेता का नाम बताइए जिसने कभी पार्टी छोड़ा ही नहीं, जिस पार्टी में जन्म लिया उसी पार्टी में मरा, बहुत कम नेता है वैसे, बहुत रेयरेस्ट हैं। और इसके सर आप सोचिए ना आप सोच के देखो, एडीएल जो एंटी डिफेक्शन लॉ है, दल बदल कानून, जब पॉलिटी में आपको बताऊंगा तो बताऊंगा कि एक आदमी है गया लाल, ये है गया राम, इन्हीं के नाम पे है गया सिंह है, कुछ भी कहिए, ये एक दिन में तीन पार्टी बदले, सुबह ब्रेकफास्ट कांग्रेस के साथ, लंच जो है बीजेपी के साथ, और उसके बाद फिर वहां के लोकल पार्टी के साथ डिनर कर गया, उन्हीं के साथ निकल गए। ऐसे ऐसे महारथी के चक्कर में हम लोगों ने एंटी डिफेक्शन लॉ लाया, नहीं तो सर समझ पा रहे हैं जीवन में कभी ऐसा होने वाला नहीं था। तो लॉजिक देखिएगा जरा, अगर हम पूरा ओवरऑल बात बोलें तो आज के लिए लास्ट इतना ही बस मैं बताऊंगा, पहले देख ध्यान से देख लेना फिर हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। पहले अभी तक आपको वापस क्या लग रहा है, बैक टू नॉर्मल लाइफ, जम्मू कश्मीर फिर से किसके कंट्रोल में आ गया है, ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में या फिर गुलाब सिंह? अरे भैया ध्यान से समझना, गुलाब सिंह वहां के राजा बन चुके हैं, और गुलाब सिंह राजा बन चुके हैं तो ऑफिशियली जो किंग है उसके पास पावर तो है ही, बस ब्रिटिशर्स ने दो बात बोला कि एडमिनिस्ट्रेशन चुपचाप चलाओ, बाउंड्री लाइन कौन डिसाइड करेगा? हम। अब जरा इधर आना, ये एक ऐसा पॉइंट है जिसके कारण पूरा मूवी चलेगा, तो मूवी है इसको जरा ध्यान से समझ लेना और उसके बाद आगे कनेक्ट करना। पहला
सबसे फर्स्ट इसमें ये वाला जो रीजन है कासगर दिख रहा है, अभी के लिए समझ लेना, मैप इमेजिन करा देंगे, मैप पे दिखा भी देंगे, अभी के लिए समझ लेना पहले। ये रीजन रहा लद्दाख, दिस वन इज तिब्बत, एंड ये सेंट्रल एशिया वाला पार्ट के टीटीयू जो पढ़ाया हूं, कजाकिस्तान किर्गिस्तान टीटीयू, याद है ना। तो कासगर क्षेत्र वही क्षेत्र है जो आज का जिनजियांग है, और जिनजियांग वही क्षेत्र है जहां पे विगर मुस्लिम्स को प्रताड़ित किया जाता है। तो मतलब कहने का लॉजिक ये है कि सर लद्दाख में सबसे पहले ध्यान से समझना, बुद्धिस्ट थे या फिर हिंदुइज्म था? बुद्धिज्म ठीक ठाक लेवल पे था और बुद्धिस्ट वहां पे ठीक ठाक लेवल पे रहते थे, जो मैं कहानी बता चुका हूं उसको जरा ध्यान से देखना कि समझ में आ रहा है कि नहीं। पहला चीज, वो बुद्धिस्ट जो लद्दाख के अंदर थे, या अपना एलिगेंस जो है वो लगभग तिब्बत के प्रति सहानुभूति प्रकट करते थे और अपने आप को इंडिपेंडेंट मानते थे, और इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट था कासगर वाज ऑफिशियल पार्ट ऑफ चाइना एंड रूलर ऑफ कासगर वाज याकूब बेग। तो जो मैंने याकूब बेग का थोड़ी देर पहले जिक्र किया था, वो कहां का रूलर था? कासगर का। कासगर किसका पार्ट था ऑफिशियली? चाइना का पार्ट था, इसमें कहीं से कोई डाउट नहीं। लेकिन आगे आना, चाइना में दो टाइप के लोग थे, एक थे हैन चाइनीज, और हैन चाइनीज जो है चाइना के लोकल लोग हैं, जो वहां के परमानेंट लोग हैं, ये पढ़ाया हुआ हूं मैंने। अब सर जैसे ही वो हैन चाइनीज थे, बट कासगर में मुस्लिम चाइनीज थे एंड सेंट्रल एशिया के मुस्लिम्स भी थे जो आज के विगर मुस्लिम्स हैं। यानी कि आप मुझे बताओ, आप यहां के हो, आपके पास बांग्लादेश के लोग कुछ बगल में रह रहे हैं, तो एक समय के बाद इंडिया के लोग तो थोड़े अच्छे हैं, मैनेज कर लेते हैं, लेकिन अगर बांग्लादेश आदमी का डोमिनेंसी बढ़ेगा तो यहां के लोग भी डोमिनेट करना शुरू करेंगे, यस और नो? अब आप सोचिए, आप जहां गए, आपका आपका घर है, आपका देश है, और आपके देश में बंगाली ही बंगाली, मतलब बांग्लादेशी स्पेशली हर जगह पे जो है जॉब कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत तो आपको अखड़ेगा। अब अखड़ेगा तो आप जो है मामला निपटाएंगे और सिविल वार का सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा, कुछ बुझा रहा है। देखिए इधर याकूब बेग ने गुलाब सिंह को क्या बोला? मदद मांगा, और गुलाब सिंह से मदद मांगकर जो है अपना काम कर लिया। सुन पा रहे हैं? और ये सारा पार्ट आपको पता है। तो लगभग कहने का ये है कि कासगर जो है अब वाकई में किसके कंट्रोल में आ चुका है, याकूब बेग के या फिर चाइना के? याकूब बेग, क्योंकि याकूब बेग ने अब वहां के आर्मी को हटा दिया, किसके मदद से? गुलाब सिंह। अब गुलाब सिंह खुश, गुलाब सिंह से पूछा क्या चाहिए, गुलाब सिंह वही बोलेगा जो उसको चाहिए। तो जरा ध्यान से देख लो इधर 1865, देख पा रहे? एक मिनट दे रहा हूं, जरा पढ़ो तो समझ में आ रहा है कि नहीं, आके ऐसे ही चल रहा है, बाउंस तो नहीं मारा, देखो तो। दिख रहा है क्या? नहीं भी दिख रहा होगा तब भी हां बोलना, अरे समझ, चलो देखते रहो। इसमें दो तीन नाम है, एक नाम यहां मैं हाईलाइट कर रहा हूं, विलियम जॉनसन, दिख रहा है? इन्हीं के नाम पे जॉनसन लाइन पड़ेगा, फिर आगे आएंगे मैकमोहन, मैकमोहन लाइन पड़ेगा। तो लॉजिक जरा ध्यान से समझना, पहला 1865 का डेट याद रखना। अच्छा 1865 वो डेट है जब 1857 लड़ाई होने के बाद का कांड है, 1857 सिपाही विद्रोह, सबसे पॉपुलर विद्रोह जो मतलब बिना पढ़ाए भी लोग जानते हैं। तो लॉजिक क्या है, 1865 वो समय है जब ब्रिटिशर्स ने विलियम जॉनसन को भेज दिया सर्वे करने के लिए कि बॉर्डर डिसाइड करो, क्यों? क्योंकि वादा किया था ना कि जम्मू कश्मीर लद्दाख का बॉर्डर वही डिसाइड करेंगे। अरे ये सुनो, तो लॉजिक सर सोना मत, मन करे तो पीछे चले जाना, अब जरा ध्यान देखना। और वहां पे जाकर एक ट्रीटी ऑफ अमृतसर के तहत जो बोला गया था, देन बॉर्डर डिसाइड किया। आप सोचिए जॉनसन आए आराम से, मैं पैसा निकाले और बोले भाई लाइन है इधर जम्मू कश्मीर इधर लद्दाख, जो आदमी किसी पर्टिकुलर एरिया में गया ही नहीं हो वहां का बाउंड्री कैसे डिसाइड कर सकता है, कुछ अता पता ही नहीं है वहां के बारे में, बस एक मैप पे डिवाइड किया बना दिया। अब उसको क्या पता था कि उसके अंदर याकूब बेग ने क्या कांड किया, उसके अंदर गुलाब सिंह ने क्या कांड किया, घंटा कुछ पता नहीं, तो इधर बोल दिया बस, इधर क्या इंडिया का इधर चाइना का लो। अब इधर जरा ध्यान से देखना, अक्साई चीन को ब्रिटिशर्स इंडिया में दिखा दिया, जबकि गुलाब सिंह को जो किला मिला था वो एक स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड, सॉरी प्लॉट ऑफ लैंड मिला था। और जब 1868 में वापस सर्वे के हेड एक और आदमी आया जिनका नाम था जनरल वॉकर, उनको दिखाए गए जब बॉर्डर और ये पूरा का पूरा मैपिंग, इन्होंने बोले ये तो बिल्कुल एकदम बेकार है, ना समझी है ये। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये हुआ कि वो मैप पब्लिश किया ही नहीं गया, मतलब वहां के जनरल वॉकर ने बात बोल दिया कि पूरा का पूरा अक्साई चीन इंडिया का है क्या? नहीं है। और उसने दिखा दिया पूरा का पूरा अक्साई चीन किसका है? इंडिया का है। और सर जनरल वॉकर ने बोल भी दिया कि बॉस ऐसा है कि ये पूरा का पूरा गलत है, ये बॉर्डर डिसाइड नहीं होगा सही, लेकिन वो मैप पब्लिश किया ही नहीं गया, मतलब उसकी बात रखी नहीं गई, ऑफिशियली जो मैप बनाया था कौन? जॉनसन ने, वही मैप एक्सेप्ट कर लिया गया।
और उस मैप के तहत क्या अक्साई चीन चाइना का था या इंडिया का था? इंडिया का था, क्योंकि सर जॉनसन ने पूरा का पूरा अक्साई चीन किसको दिखा दिया? इंडिया को, जबकि अक्साई चीन का मात्र छोटा हिस्सा किसको दिया गया था? इंडिया को। क्लियर है यहां तक? अब एक पहला विवाद आपको देखने को मिलेगा और जॉनसन लाइन है। अच्छा, इसके बाद एक और नया नवाब आएंगे, इन्होंने तो अक्साई चीन छोड़ी, अक्साई चीन के आगे तक पूरा इंडिया का दिखा दिया। ध्यान समझिएगा, कभी कभी लालची आदमी नहीं होता है, लालची आदमी जानते हैं, दो मिनट रुकना, भागना मत। लालची आदमी क्या होता है, उसको ये दिमाग में हमेशा रहता है, ध्यान से समझना कि बॉस समझना कि वो बोलेगा जैसे उसको चाहिए भी उसको नहीं भी चाहिए, उसको एक्चुअल में चाहिए होता है लेकिन वो खुल के बोलेगा भी नहीं, जब उसके पक्ष में आएगा तब, और जब उसके अगेंस्ट में जाएगा तब वो बिल्कुल एकदम सीधा साधा बन जाएगा। लॉजिक कहने का, इंडिया को जब ये बात पता था कि अगर इस तरीके का कांड है तो इंडिया को फ्रंट पे आकर खुद ही बोल देना चाहिए था कि भाई अक्साई चीन हमारा पूरा नहीं है प्रभु, और ये अक्साई चीन का छोटा हिस्सा है। लेकिन इंडिया के मन में तो कहीं ना कहीं बसा हुआ था, और उसके बसने के पीछे कारण ये था क्योंकि जानबूझकर ब्रिटिशर्स ने उस मैप को इस तरीके से क्लेरिफाई नहीं किया। और मैंने बार बार बोला है, ब्रिटिशर्स का इतिहास है, जिस देश में गए हैं उस देश में कुछ ऐसा कॉन्फ्लिक्ट छोड़कर गए हैं जो पूरा समय तक ऐसा ही रहेगा। इधर देखो, श्रीलंका से भागा ब्रिटिशर्स, वहां पे भी चाइनीज, सॉरी चाइनीज बोल रहा हूं, कौन कौन, सिन्हालीज तमिल के बीच में वो विरोध करके छोड़ के गया। नेपाल से भागा, सेम मधेसी पहाड़ी नेपालीज उनके कारण छोड़ के गया। और आगे देखो, इंडिया में पाकिस्तान और इंडिया बना के गया, और सर उसके बाद फिर जहां से वो गया है हरामपुर म्यांमार के अंदर से, वहां पर भी लड़ाई करवा के गया। तो ब्रिटिशर्स के मत में हमें से इजराइल जो आज भुगत रहा है उसका भी ब्रिटिशर्स का देन है, ज्यूज को लिया के रख दिया, उनको एजुकेट किया, उनको पैसा दे के रहा, और वहां के लोगों से बिल्कुल दूर कर दिया, जबकि वो पूरे एरिया किसका था? पैलेस्टाइन का था। पैलेस्टाइन बारे बताया था नहीं, पैलेस्टाइन ये रहा, ज्यूज को ले गया एक जगह पे रख दिया, खाना पीना खिलाया, एजुकेशन दिया, लोग पावरफुल हो गए। और अब उल्टा हो गया, जो पैलेस्टाइन था वो इतने छोटे एरिया में आ गया और पूरे का पूरा ज्यूज फैल गए, जिसका नाम उन्होंने इजराइल रख दिया। तो ब्रिटिशर्स ने हर जगह वो कांड किया, और ब्रिटिशर्स का मकसद सिंपल एक ही है, छोड़ के तो जाएंगे लेकिन बेटा पंचायती के लिए वापस फिर तुम बुलाओगे। आप देखिए ना, इंडिया आज भी परेशान है, श्रीलंका आज भी परेशान है, तो लॉजिक क्या है? ब्रिटिशर्स ने फिर वो मैप जानबूझकर छोड़ के चला गया। यहां तक डन। और उसका एक नतीजा ये हुआ कि मिसअंडरस्टैंडिंग होते 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 1962 हमारा कांड हो जाएगा, और 62 कांड होने के बाद इंडिया को एहसास हो जाएगा कि ना अब अमेरिका हमारा मदद करने वाला है, ना कोई भी ब्रिटेन, ये सब के सब जो है बायस्ड हैं। उसके बाद फिर चेंज हो जाएगा। तो आज हम यहीं तक रखते हैं, बाकी हम कल क्लास कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? पहले सुन पा रहे हो तो 2 मिनट जितना पढ़ाया हूं, जो टाइम पे आए थे उनके लिए भी, जो टाइम पे नहीं आए थे उनके लिए भी, एक बार रिविजन करा देता हूँ, बाकी फिर कल कंटिन्यू करेंगे। मैंने पहले क्लियरिफाई किया आपको, जो करंट अफेयर वाला सेक्शन है, जो इस बार मई में जो पेपर है 26 मई को प्रीलिम्स, उसके लिए मैं पूरा का पूरा एक साल का करवा दूंगा आपको। आप जो है थोड़ा सा अलर्ट रहकर काम कर लेना, और उसके बाद मॉक टेस्ट लगा के चले जाना भैया। जिनको पेपर नहीं देना है वो लोग भी कर लेना जो नेक्स्ट ईयर देना हो, क्योंकि 2 साल का करंट अफेयर लगभग यूपीएससी में मारेगा, इसीलिए बढ़िया से थोड़ा कर लेना। मेरा काम है आपको बताना, बाकी मर्जी आपकी है, लाइफ आपकी है, जैसा मन करते रहना, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इसके अलावा कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट होना चाहिए। पहले भी बोला हूं कि 6 महीना रगड़ के अगर कोई पढ़ लेना, 6 महीना, 6 मंथ मेरे पढ़ाने के बाद, 6 मंथ इज मोर देन इनफ, लेकिन वो 6 मंथ कंटिन्यूअस होना चाहिए। आपको भी तो प्राउड हो कि यार एक बार पढ़े हैं जबरदस्त। ऐसा एग्जाम देने जाते हो और एग्जाम में महसूस होता है कि पूरा साल का कल बनी, कहीं शादी में गए, कहीं कुछ और गए, लाइन क्या हो गया लाइन को, ठीक है? तो सर ध्यान से समझना कि करंट अफेयर का कॉपी बना के रख लेना, हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। और दूसरा, अभी जो पढ़ाया मैं रिवाइज करा दूं, फिर से याद रखना, पहले पे आ जाओ। सबसे फर्स्ट क्या पढ़ा हूं चाइना और इंडिया के बारे में, सबसे पहला प्लीज सुन लेना, लास्ट के 2 मिनट इंपॉर्टेंट होता है, सुन लेना। पहला, तिब्बत क्या इंडिपेंडेंट था या नहीं था? था। जब चाइना के अंदर मिंग डायनेस्टी था तब भी तिब्बत आजाद था, और उसके बाद आया कौन सा डायनेस्टी? किंग डायनेस्टी, वो भी क्या तिब्बत आजाद था? नहीं था, था। लेकिन किंग डायनेस्टी ने जुंगार रेवेलियन को हराया जो मंगोलिया के थे, और मंगोलिया को जैसे हराया उसके बाद 2 चीज हुआ। सबसे पहला क्या हुआ, सबसे इंटरेस्टिंग ये हुआ कि वहां पे लोगों को बोला कि जुंगार रेवेलियन फिर वापस आ जाएगा तो क्यों ना हम एक काम करते हैं, क्या करते हैं, वापस से वहां पे एक अंबन ग्रुप को भेजा और मिलिट्री ग्रुप को बोला कि दलाई लामा का जितना पावर होता है उतना ही पावर किसका होगा? मिलिट्री का होगा। क्लियर है? लेकिन ये बात पचाना है किसको? तिब्बत को। उसके बाद इंडिया वाला कहानी आएंगे तो उसमें जम्मू कश्मीर वाला कहानी याद रहना चाहिए आपको, वो किसके कंट्रोल में था? रंजीत सिंह के कंट्रोल में था। रंजीत सिंह ने अपॉइंट किया था जम्मू कश्मीर का किसको? गुलाब सिंह को। गुलाब सिंह एक्सपेंशनिस्ट खुद था और उसने लगभग कैलाश मानसरोवर तक एरिया कैप्चर किया, लेकिन बाद में रंजीत सिंह के कहने पर एरिया वापस कर दिया।
दूसरा गुलाब सिंह ने याकूब बेग की मदद करी और अक्साई चीन का कुछ हिस्सा अपने अंडर में कर लिया, क्लियर यहां तक। उसके बाद फिर आगे आएंगे तो दो चीज हुआ, आगे चलकर जो विरोध हुआ जो कौन सा कासगर रीजन, और कासगर रीजन वो रीजन है जहां पे याकूब बेग खुद कंट्रोल में था, उसने भगाया गुलाब सिंह की मदद से। आगे चलकर दो तीन चीज आपको मिलेगा जिसमें पहला होगा एक जॉनसन लाइन, जॉनसन लाइन के तहत पूरा अक्साई चीन को दिखा दिया गया है जबकि पूरा अक्साई चीन हमारे इंडिया का कभी था ही नहीं। फिर उसके फर्दर आगे दो चीज हुआ, मैकमोहन लाइन आएगा, फिर अलग अलग लाइन आएगा जिसके तहत गलत होगा और वो मिस अंडरस्टैंडिंग 1962 करेगा। फिर उसके आगे लद्दाख के स्टैंड ऑफ किंग हुआ, फिंगर सेवन, इस सारा कुछ आगे देखेंगे, क्लियर है। तो आज यहीं तक रखते हैं, बाकी कल कंटिन्यू करेंगे, क्लियर है। मजा आया नहीं आया तभी हाँ बोलना, जो जो बोले नो ठीक है, चलिए तो आप रिविजन कर लीजिएगा, बाकी कल क्लास कंटिन्यू करते हैं। और एक और आपसे निवेदन है, पहली बात ध्यान से मैपिंग और आईआर वाला पार्ट थोड़ा जल्दी निपटा लेना प्रभु, वो करंट अफेयर में काम आएगा। मैं बोला करंट अफेयर नाम का कोई चीज होता होता नहीं है, मैं आपके लिए करा रहा हूँ इसलिए साल भर का कि आपका काम प्रीलिम्स के लिए आसान हो जाए। तो ध्यान रखिएगा स्टैटिक पोर्शन कमांड रहेगा तभी करंट अफेयर होगा, नहीं तो पढ़ते रहिए एडुटेरिया उसकी तेरिया कुछ नहीं होने वाला है। तो कल मिलते हैं, कल कंटिन्यू करते हैं।